थोड़ी वो दबा रहेगा। लेकिन जब वो नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, अपेक्षा जहां है वहां दुख होगा, वितराग वाणी है। आप अपने जीवन में अनुभव करके देखो, मैंने तो बहुत जगह अनुभव करके देखा, और जब से अपेक्षा छोड़ दी सुखी हो गया। किसी से अपेक्षा नहीं रखो, मस्त रहो, 24 घंटे आनंद में रहो। नहीं तो छोटी छोटी बात आपको दुखी करती है, उसने मेरे से बात नहीं की, उसने मेरे से ज्यादा बात कर ली, उसने मेरे से कम बोल दी, उसने मेरे को ऐसा क्यों कह दिया। अपेक्षा रखो ही मत, जहां अपेक्षा होगी वहां दुख होगा। जीवन में अगर आपको सुखी होना है तो एक सरल तरीका है, किसी से अपेक्षा मत रखो। और जब आपको अपेक्षा नहीं है तो पुरस्कार मिलेगा, क्या मिलेगा, अचानक पुरस्कार मिले तो आपको कितनी खुशी होती है। आपको आपने पेपर भी दिया और आपको लगा मेरा तो फर्स्ट नंबर आएगा ही आएगा, और संयोग से एक नंबर भी कम आ गया, तो आपको सुखी होगा, खुशी होगी या दुख होगा, क्यों? दूसरा ऐसा है, उसने भर के दे दिया 100%, पास भी होता है ठीक है, नंबर आए तब भी ठीक है, मैंने अपनी तरफ से 100% दे दिया, तो उसको जितने नंबर आए उसमें खुशी मना रहा है, बोले मुझे तो इतनी भी अपेक्षा नहीं थी। मैं नासिक में एक बार भगवान के साथ विचरण कर रहे थे, तो एक घर में ठहरे थे, एक बालिका थी, उसको 95% मार्क्स मिले, पर उसका चेहरा उतरा हुआ। मैंने बातचीत में पूछा, मैं क्या हुआ, वो बोले गुरुजी क्या कहें, 6 नंबर से मेरा टॉप रह गया, 6 नंबर मेरे को कम आए, अब उसको 95% मिले उसकी कोई खुशी, अब दुख किसका है। मैंने कहा मेरी जिंदगी में मेरे को 53% से ऊपर कभी नहीं आया, मैं कभी दुखी नहीं हुआ और तुम 95% लाके भी दुखी हो रहे हो। तुम दुखी होना है तो कितने तरीके, और खुशी रहना है तो धन्यवाद है कम से कम इतने परसेंट तो दे दिए। आप हमेशा निरपेक्ष भाव से जियो, घर में परिवार में, आप प्रवचन करते करते दुखी हो सकते हो, क्यों? मुझे इतनी रिस्पांस मिलनी चाहिए, इतने लोग होने चाहिए, ये होना चाहिए। आचार्य जी ने मेरे को शुरू से ऐसी ट्रेनिंग दी, 4 आदमी बैठे तो भी मुझे नहीं लगता है कि मुझे प्रवचन न करूं, इतनी भीड़ होगी, हॉल भरा होगा तो करूंगा नहीं, 4 आदमी है तब भी ठीक है। एक बंदा आके प्रश्नोत्तर करता है उसके लिए भी तो टाइम देते ही ना, एक बंदा ऊपर आके बैठे और मेरे से बातचीत करे तो मेरा घंटा तो वो ले ही गया ना, तो यहां 4 बैठे तो क्या नुकसान है। 4 आदमी से ट्रेनिंग शुरू करी, जब भी कोई कम लोग होते मुझे आगे भेज देते, मैं खुश होकर जाता, मुझे कोई लगता नहीं कि मुझे, मैं कहता अपनी ट्रेनिंग हो रही है। एक महासाध्वी जी थे, उनसे मैंने सीखा, वैराग्य काल में मैं दर्शन करने गया था, शील कुंवर जी महाराज, बहुत उच्च कोटि की साध्वी थी, विद्वान साध्वी थी, बड़ी उम्र की साध्वी थी, तो प्रवचन के 5-10 मिनट पहले पहुंच गए, बातचीत कर रहे थे, एक श्रावक जी दूसरे बात कर रहे थे, उनसे मैं पास खड़ा हुआ था, तो प्रवचन का समय होने वाला था, बात चली तो वो भाई ने बोला अभी तो महाराज लोग थोड़े आए हैं, फिर थोड़े और आ जाए फिर आप पधारना। तो उन्होंने दृष्टांत दिया, भाई तुम्हारे चौंके में 2 आदमी भोजन करने के लिए आए, तो आप भोजन कराते हो या उनको कहोगे बस आएगी फिर खिलाएंगे, बोलो, ऐसा तो नहीं बोलते। 2 आदमी अगर नाश्ता करने आए तो आप उसको तुरंत नाश्ता जो भी है बना के उसको दे देते हो, ऐसा नहीं बोलते कि एक बस आएगी फिर नाश्ता खोलेंगे। बोले हमारे भी भगवान महावीर का चौंका है, जो भी आया हमारे पास जो है उसको क्या करना है। वो बात आज तक मेरे को क्लिक करती है, और कभी मेरे मन में ये भाव नहीं आया कि मैं ज्यादा लोग होगा तो प्रवचन करूं, कम होगा तो नहीं करूं। 2 आदमी आए 4 आदमी आए, चाहे ध्यान की क्लास क्यों ना है, हम कोई नहीं आया कोई बात नहीं, अपना ध्यान अकेले तो करते ही है ना, एक आ गया तो ठीक है, 2 आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अपनी मस्ती में है, तो आपको कोई दुखी कर ही नहीं सकता आपको कोई। और दुखी होना है तो हर मिनट के ऊपर आप शिकायत घर वालों से, परिवार से, पड़ोसी से, साथी से, दुखी हो जाओगे। मैं दीक्षा लेने के 6 महीने बाद की मेरी घटना है, किसी घटना को लेके मेरे एक साथ के संत के साथ अनबन हो गई, मैं मानसिक रूप से बड़ा दुखी। उस समय मैं एकांत ध्यान में गुफाओं में बैठ के ध्यान कर रहे थे, भगवान उस समय मौन में थे, मैं सुबह सुबह अपना पानी लेकर के गुफा में चला जाता,
गुफा में बैठ के ध्यान करा, ध्यान करते करते चिंतन चला, तेरे को क्या जरूरत पड़ी किसी से माथापच्ची करने की, तेरे को स्वाध्याय करने के लिए समय नहीं, पढ़ाई के लिए समय नहीं, ध्यान के लिए समय नहीं, तू किसी के जाकर के अपेक्षा ही क्यों रखता है कि मेरे से कोई बात करे, तू किसी की शिकायत लगाता ही क्यों है, मैं अपने आप से बात कर रहा हूं। और उस दिन से ये एक शिक्षा मिली, वो बात को आज 23-24 साल हो गए, मेरे को किसी से कोई दुख नहीं है, मस्त रहता हूं 24 घंटे हर जगह पे हर घटना में, चाहे छोटा कोई कह दे, चाहे कोई बड़ा कोई कह दे, चाहे समाज वाला कोई कह दे, कई जगह मिले न मिले, अपने को किसी से कोई अपेक्षा नहीं, अपन मस्त है। सब लोग अपने जगह सेट कर ले, उसके बाद जाके अपना कहीं भी आसन लगा के बैठ जाओ, कुछ नहीं तो अपना हॉल तो खुला ही है ना, कोई टेंशन। किसी दुखी होना है तो छोटी छोटी बात पे दुखी हो सकते हो, और सुखी होना है तो 24 घंटे आप सुखी रहो। एक सूत्र अपना लो, जहां अपेक्षा है वहां दुख है, जहां अपेक्षा है वहां दुख है, जहां राग है वहां क्लेश है। किसी से भी अटैचमेंट कर लो, चाहे गुरु से कर लो, शिष्य से कर लो, पड़ोसी से कर लो, वस्तु से कर लो, शरीर से कर लो, जहां राग होगा वहां क्लेश होगा, मानसिक क्लेश पैदा होंगे, और क्लेश होंगे तो कर्म का बंधन। जहां द्वेष है वहां निराशा है, जहां द्वेष है वहां निराशा। आप अपने जीवन में ये आत्मबोध के बाद अगर ऐसा जीना शुरू करोगे, 24 घंटे मस्त आनंद में रहोगे। तो हम पत्नी को वो पत्नी ही मानता है, पुत्र को पुत्र ही मानता है, शिष्य को शिष्य ही मानता है, अब उसको चीर के उसके आगे उसमें आत्मा देखने की उसकी दृष्टि ही नहीं, वो बात बात के ऊपर अपेक्षाओं में दुखी होता रहता है, तो ये भी उसका अज्ञान। अविद्या सज्जितस्त तस्मात् संस्कारो जायते दृढ़ येन लोकांगमेव स्वपुनरप्य भी मन्यते। उक्त विभ्रम से उसमें अविद्या नामक संस्कार दृढ़तर होता जाता है। अविद्या यानी मिथ्यात्व, अज्ञान, अज्ञान का संस्कार दृढ़ होता चला जाता है। इस कारण जन्मांतर में भी वे शरीर को ही आत्मा मानते हैं। अब इसका प्रभाव क्या होता है, यहां तो भ्रांति में रहता है पत्नी पुत्र, और उसके बाद में वो कहता है इस भ्रांति के कारण उसके अंदर में मिथ्यात्व का, अविद्या का, अज्ञान का संस्कार और दृढ़ पक्का होता चला जाता है। वो शरीर को ही आत्मा मान के बैठा हुआ है, उसी के लेवल के ऊपर संबंध बनाया है, उसी के लेवल पे दुखी होता है। और प्रकृति का संयोग है, उनमें से कभी पत्नी जाएगी, कभी बेटा जाएगा, कभी पिता जाएगा, कोई ना कोई जाते रहेंगे, और आप उनको याद कर करके दुखी। अगर आपका संस्कार आत्मा का बन गया अभी कि मैं आत्मा हूं, और सबसे निकट की फाइल कौन सी है, पहली तो बॉडी, बॉडी के बाद नंबर दो की फाइल कौन सी है, एक नंबर की फाइल तो आपका शरीर है, सबसे ज्यादा अटैचमेंट इससे है। तो यहां तो भेद विज्ञान से दोनों को अलग अलग कर दिए, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। अब बार बार शरीर को अलग करके आत्मा के दर्शन करते रहो, ये आपका होमवर्क है 24 घंटे, चाहे ध्यान में करो, चाहे खुली आंखों से करो, चाहे बात करते करो, चाहे काम करते हुए करो। तो आपके आत्मा का संस्कार पुष्ट हो रहा है, अविद्या का मिथ्यात्व का संस्कार टूट रहा है, और जितना अविद्या का मिथ्यात्व का संस्कार टूटेगा उतनी आत्म पुष्टि होगी, और आप 24 घंटे आनंद में रहोगे। सेकंड नंबर, अब जिससे अटैचमेंट है, जिससे मोह है, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो बेटा है, चाहे वो शिष्य है, चाहे कोई और है, अब दिन भर उसमें किसके दर्शन करते हो, पत्नी के रूप में, बेटे के रूप में, अब उसको आधा घंटा दिन में, आधा घंटा होमवर्क रख लो उसके लिए कि आधा घंटा इसमें सिर्फ आत्मा के दर्शन करूंगा। किसके दर्शन करूंगा, बोलना नहीं है उसको, बताना नहीं है उसको कि मैं तुम्हें आत्मा देख रहा हूं, आप गुप्त रूप से उसमें आत्मा देखते रहो, देखो आपका मोह बढ़ेगा कि घटेगा। और जितनी देर आपने उसमें आत्मा का उपयोग लगाया, आपका आत्म ध्यान हो गया, क्योंकि अंदर में भी आत्मा तो बाहर में जो दिख रही है उसमें भी, जिधर देखोगे उधर आत्मा के, और वो दो नंबर की फाइल से मोह भाव, राग भाव आपका टूटता चला जाएगा। कितनी फाइलें ऐसी निकाचित की, 5-10 फाइल होगी।
श्रुतवताम परिहास दान तद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलाम यत कोकिल किल मधु मधुरम विरोध तच्चंद्र चारु कलिका निकरे अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास दान त्वद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान यत कोकिल किल मदो मधुरम विरोध तच्चाम्र चारु कलिका निकरे अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास दान त्वद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान यत कोकिल किल मदो मधुरम विरोध तचांद करेक हे विहरमान अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्म ज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवंत के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। प्रिय शमित मुनि जी, धर्मानुरागी बंधुओं, माताओं एवं स्नेहशीला बहनों, हम सभी यहां पर वितराग वाणी में डुबकी लगा रहे हैं। आत्मा से परमात्मा कैसे बने, बहिरात्मा के क्या लक्षण है, अंतरात्मा के क्या लक्षण है, परमात्मा के क्या लक्षण है, इस विषय पर हमने चिंतन किया। आचार्य पूज्यपाद के समाधि ग्रंथ के ऊपर चिंतन मनन हम कर रहे हैं। गाथा नंबर 11 को फिर से देखेंगे। स्व पराध्यावसायन देहेश्व विदितात्मनाम वर्तते विभ्रम पुंसा पुत्र भार्यादि गोचर। आत्मा के स्वरूप को नहीं समझने वाले मनुष्यों द्वारा अपनी और दूसरों की देहों को ही आत्मा मान लेने से उन्हें सदैव पत्नी पुत्र आदि के संबंध में विभ्रम हो रहता है। विभ्रम का अर्थ है भ्रांति। वास्तव में वो है नहीं, पर आपने उनको मान लिया। वास्तव में तो वो एक शुद्ध आत्मा है और आत्मा का स्वरूप अपना है, लेकिन आपने अपने को शरीर माना तो सामने वाले को भी शरीर मान लिया, और सामने वाले को शरीर माना तो उसके साथ रिश्ते बना लिए। अब उन रिश्तों के स्वार्थ की पूर्ति होती है तो वो रिश्ते आपको अच्छे लगते हैं। जहां स्वार्थ को चोट लगती है, स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है, तो वही रिश्ते किसमें बदल जाते हैं, वही रिश्ते उल्टे हो जाते हैं, शत्रुता में बदल जाते हैं। आप देखिए, प्रतिदिन अपने जीवन में देखिए, जिस परिवार में आप जहां रह रहे हैं, जिनको आपने अपना मान रखा है, जैसे पहले भी मैंने बताया कि पहले तो सिर्फ आपको अपनी चिंता थी, अब स्वार्थ के वशीभूत आप उनकी चिंता करते हैं। किस लिए करते हैं कि समय आने पर ये मेरे काम आएंगे। पिता पुत्र की सेवा कर रहा है, माता पिता की सेवा कर रहा है, माता पिता ने पूर्व सेवा की अब सेवा कर रहा है, पुत्र की सेवा कर रहा है कि भविष्य में ये मेरे बुढ़ापे का सहारा मिलेगा। और जिस दिन माता पिता आपके काम आने वाले नहीं लगते हैं, तब पुत्र वधू के उसमें खटकने लगते हैं, फिर बेटे के उसमें खटकने लगते हैं, और धीरे धीरे परिवार व्यवस्था क्या हो जाती है। अगर वो वहां रहते हैं तो पहले और दूसरे ध्यान में रहते हैं, रहते हैं तो पहले और दूसरे ध्यान में रहते हैं, छोड़ के जाते हैं तो इज्जत के नाम के ऊपर दुखी होते हैं और मानसिक रूप से संक्लेश को प्राप्त करते हैं। कारण क्या कि हमारे अनुकूल नहीं चलते ये। बेटे और बहू और सासु ससुर में झगड़ा किसका है? बेटे बहू कहते हैं हमारे अनुसार चले, सास ससुर कहते हैं हमारे अनुसार चले। अब दोनों में से किसी के भी स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई तो वहां पर क्या हो जाता है, क्लेश होता है। अंतरात्मा देखने वाला स्वार्थ नहीं देखता है, वो देखता है ये शुद्धात्मा भगवान मेरे साथ रह रहे हैं,
मैं इनकी कैसे सेवा करूं, मैं इनको समाधि में कैसे सहयोग पहुंचा सकूं, चाहे कैसे भी हैं अनकंडीशनल मैं इनकी सेवा करके अपने कर्मों की निजा करूं। मेरे साथ में एक परमात्मा के दूत रूप में ये माता पिता रह रहे हैं, जीवंत रूप में परमात्मा है, मैं इनकी सेवा करूं, बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, चाहे जो ये व्यवहार करे मैं इनकी सेवा करके अपने कर्मों की निजा करूंगा। वो आत्मार्थी व्यक्ति को आप कभी दुखी कर पाओगे? और इसी तरह बेटे बहू चाहे कैसे भी हो, माता पिता आशीर्वाद देते हैं, मुझे इनसे कोई अपेक्षा नहीं है, अगर ये टाइम पे ऊपर भोजन देते तो ठीक है, नहीं तो हम अपना बना के खा के मस्त हैं, लेकिन हम इनको आशीर्वाद देते हैं, हमें इनसे बदले में कुछ भी अपेक्षा, अब उनको भी अपेक्षा नहीं है, इनको भी अपेक्षा नहीं है, तो घर स्वर्ग जैसा बनेगा। और दोनों अपेक्षाओं से बने हुए हैं, पुत्र भी अपेक्षाओं से भरा पड़ा है और माता पिता भी अपेक्षाओं से भरा पड़ा है, तो वहां पे क्लेश होगा और क्लेश में रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान होगा, और जहां आर्त और रौद्र ध्यान होगा वहां पे ये चिंतन होगा कि कब ये यहां से बाहर जाए, कब ये यहां से दूर जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। ये मिथ्या मान्यता, सुख उस परिस्थिति में है ही नहीं, सुख तो आत्मा में है, लेकिन वो ये समझते हैं कि ये प्रतिकूल परिस्थितियां जो इन्होंने खड़ी कर दी है, ये व्यक्ति ही यहां से क्यों ना चला जाए, और ऐसा ध्यान करके वो कितना कर्म बंधन कर लेता है। साथ जुड़े थे अपनेपन के भाव से, लेकिन अपना भाव, अपनेपन का भाव स्वार्थ में बदल गया, और स्वार्थ में वो अब उनको शरीर आदि पुद्गल रिश्ते समझते हैं और उन रिश्तों के बारे में आर्त रौद्र ध्यान करते हैं, जीते जी भी आर्त रौद्र ध्यान करते हैं, और जिनके साथ अति अटैचमेंट थी और वो छोड़ के चले जाते हैं तब भी आर्त ध्यान करते हैं। तो आर्त रौद्र ध्यान छोड़ने का सरल तरीका, उनमें शुद्धात्मा के दर्शन करो। उनमें किसके दर्शन करो? और शुद्धात्मा के दर्शन कौन कर पाएगा? जो खुद में शुद्धात्मा के दर्शन करता है। मैं आत्मा हूं तो मैं सुपीरियर नहीं हूं, सामने वाला भी वही आत्मा है, वो उस रोल में है, मैं इस रोल में हूं, लेकिन दोनों में अंतर कोई नहीं है, वो भी सिद्ध भगवान जैसा है, मैं भी सिद्ध भगवान जैसा हूं, मैं जैसी माला जिसकी कर रहा हूं वो मेरे सामने बैठा हुआ है, क्यों ना मैं उसमें परमात्मा के दर्शन कर पाऊं। ये दृष्टि जब तक नहीं आएगी तब तक आपको जीवन में वितरागता नहीं आएगी, और वितरागता नहीं आएगी तो राग द्वेष संसार खड़ा ही रहेगा। तो दृष्टि परिवर्तन करना अति आवश्यक है। अगली गाथा में कहते हैं, अविद्या संगीत तस्मात् संस्कारो जायते दृढ़, येन लोकांगमेव स्व पुनरप्य भी मन्यते। उक्त विभ्रम के कारण, इस भ्रांति के कारण वह अविद्या नामक संस्कार दृढ़तर होता है। मिथ्यात्व तो कहो अविद्या कहो, ये संस्कार इतना दृढ़तर होता जाता है। आज हमारे को लोग जानते, कल एक बहन ने प्रश्न पूछा, महाराज आपने दीक्षा कैसे ले ली, हम दीक्षा क्यों नहीं ले पा रहे? जानते हैं, समझते हैं, फिर भी क्यों नहीं ले पाते हैं? कारण क्या है? जन्मों जन्मों में हमने इस अविद्या के संस्कार को पोषण किया। जब हम तिरंज के भाव में थे, कुत्ते के रूप में थे, बंदर के रूप में थे, तब हमारा संस्कार था मैं कुत्ता हूं, मैं बंदर हूं, मेरा भोजन मिल जाए, उस शरीर के साथ इतना अटैच थे, बार बार सोच सोच के वो संस्कार पका गया। जब मनुष्य बने तो मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ये हूं, इस संस्कार को इतना पुष्ट किया कि हर जन्म में किसी न किसी रूप में वो अविद्या का संस्कार आपके साथ चल रहा है। यहां आपको कितना ही उपदेश दे दे, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, लेकिन बीच गहराई में वही अविद्या का संस्कार आपको बार बार उठाता है। और कहते हैं सुनने के लिए तो अच्छा लगता है, नीचे उतरते और वही शरीर का संस्कार, वही इंद्रियों की कामना, वही पुष्टिकरण, और वो कब टूटेगी? जब आपका ये अविद्या के संस्कार से भारी संस्कार आत्मा का बन जाए। एक ज्ञानी पुरुष के पास एक व्यक्ति चला गया और उसकी युवा अवस्था में उसकी पत्नी की मौत हो गई, युवा अवस्था में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब बहुत दुखी होता है, रोता है, नींद हराम हो गई, बार बार वही वही दिमाग में घूम रही है। ज्ञानी पुरुष के पास चला गया तो उसने कहा कितने दिन हुए शादी हुए? बोले इतने साल हुए। कितनी बार तेने ये कहा कि ये मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है? कितनी बार बोला, सोचा, समझा? बोले इतनी बार, इतने साल हो गए, इतनी बार तो किया होगा। बोला अब उससे 10% ज्यादा बार ये बोल कि वो मेरी पत्नी नहीं है, वो मेरी पत्नी नहीं है, वो मेरी पत्नी नहीं है, वो मेरी पत्नी नहीं थी, वो मेरी पत्नी नहीं थी। जितनी बार तेने ये बोला वो मेरी पत्नी है, उसके 10% ज्यादा बार
इसकी माला कर। जब तेरा इससे प्रभाव इसका ज्यादा बढ़ जाएगा, इस संस्कार का, कि वो मेरी पत्नी नहीं है, तो तेरा ये आर्थ ध्यान सारा क्या हो जाएगा? अब देखो, हमने इस जीवन में अपने नाम का, अपने रूप का, अपने शरीर का कितना पोषण किया। अब उसके सामने मैं आत्मा कितनी बार सोचा, कितनी बार चिंतन किया, एक दो बार प्रवचन में सुन लिया, दो चार बार ध्यान में कह लिया, उससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि दूसरी तरफ आपका संस्कार, मैं शरीर हूं, मैं इंद्रिय हूं, मेरा सुख इसमें है, वो इतना गाढ़ बना हुआ है कि बार 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 वहीं लेके जाता है। अब आपको इस संस्कार को, इस धारणा को इतना पुष्ट करना है कि मैं आत्मा था, मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा ही। उठते बैठते सोते चलते ज्ञान में ध्यान में चिंतन में मनन में रात को सपने में जब तक ये ना आए तब तक समझना भी संस्कार कमजोर है। सपने में क्या आते हैं आपके? जिस घटना को दिन में आपने आसक्ति के साथ अटैचमेंट के साथ भोगा है, देखा है, सुना है, समझा है, वो रात को सपने बन के आते हैं। क्या आपकी इतनी अटैचमेंट अपनी आत्मा के साथ हुई है कि रात को सपने आत्मा के आने लग जाए? सपने में ध्यान करने लग जाओ, सपने में मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं चलने लग जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये शरीर के संस्कार पुष्ट रहेंगे। इसलिए जिसको सम्यक दर्शन पक्का पाना है, शायद सम्यक तो पक्की पाना है, वो अब पर की माला छोड़ के स्व की माला शुरू कर दो। स्व की माला कौन सी? कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। सोहम, सोहम का मतलब क्या है? सो यानी वो, हम यानी मैं, सिद्ध परमात्मा, चार गति 84 लाख जीवियों की आत्मा और मैं आत्मा, दोनों समान। माला करने का शोक की पड़ा है ना, तो सोहम की माला करो। क्या करो? सोहम का ध्यान करते करते आपका ये का बन जाएगा कि आपको हर समय आत्मा का भान रहेगा। और जब इसकी विश्लेषण में जाओगे, इसकी गहराई में जाओगे, तो अर्थ क्या आएगा? मैं आत्मा और वो परमात्मा दोनों समान है। मैं आत्मा चार गति 84 लाख जीव योनि में यात्रा करके आया हूं, कोई गति, कोई स्थान, कोई क्षेत्र मैंने छोड़ा नहीं जहां मेरा जन्म मरण नहीं हुआ, कोई व्यक्ति मैंने नहीं छोड़ा जिसके साथ मेरा रिलेशन नहीं हुआ, हर एक के साथ मेरा रिलेशन हुआ है, हर एक जगह पे मैं पैदा हो गया हूं, किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं, सब मैं शुद्धात्मा के दर्शन करता हूं। इसीलिए आपको सोहम का ध्यान, सोहम का चिंतन, सोहम का मनन, उस गहराई में, उस डुबकी में जाने के लिए। तो ये अविद्या का संस्कार जो पुष्ट होता जा रहा है, उस संस्कार को तोड़ना है। जन्मांतर में भी हम शरीर, अपने को शरीर ही मानते रहे। अब क्या करना है? 13वीं गाथा में कहते हैं, देहे स्वबुद्धि रात्मानम युनक्त्ये तेन निश्चयात् स्वात्म येन ये वात्म धिष्ट तस्माद्वियो जयति देहिनम। शरीर को ही आत्मा समझने वाला बहिरात्मा व्यक्ति अपनी आत्मा को शरीर के साथ जोड़ता बांधता रहता है। इसके विपरीत अपनी आत्मा को ही आत्मा समझने वाला अंतरात्मा व्यक्ति उसे शरीर के संबंध से पृथक मानता है, समझता है। अब आत्मा मानने का फल क्या होगा, नहीं मानने का फल क्या होगा? 13वीं गाथा में आचार्य बताते हैं कि शरीर को ही आत्मा समझने वाला बहिरात्मा व्यक्ति, जो बहिरात्मा व्यक्ति है वही शरीर को आत्मा समझता है। तीन आत्मा की बात हुई, बहिरात्मा, अंतरात्मा और बहिरात्मा क्या समझता है? शरीर को आत्मा समझता है और अपनी आत्मा को शरीर के साथ जोड़ता है और बांधता है। अपनी आत्मा को शरीर के साथ जोड़ता है और शरीर के साथ बांधता है और परिणाम स्वरूप क्या होता है? ये संसार खड़ा होता है। परिणाम स्वरूप संसार खड़ा होता है। संसार क्या है या परिवार क्या है? कि एक वृक्ष है, शाम के समय में वृक्ष के ऊपर अनेक पक्षी आकर के रात्रि विश्राम करते हैं। कहां कहां से आते हैं, किधर जाते हैं, दिन में कुछ पता नहीं, पूरा दिन यात्रा करके आते हैं, रात्रि में विश्राम करते हैं, अपनी अपनी डाल पर, अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं और सुबह होती है और फिर वापस यात्रा में निकल जाते हैं। परिवार भी आपका यही है, अलग अलग जगहों से पता नहीं कहां कहां घूम करके किस किस स्थान से जो लोग आए हैं, एक परिवार में एक वृक्ष के नीचे
पांच सात दस पंद्रह बीस पच्चीस पचास है ना, पुराना 60 लोगों का परिवार होता था, तो सारे एक साथ रहते हैं। जैसे उनकी रात है वैसे आपका जन्म है, उनकी रात है वैसा आपका जन्म है। कुछ दिनों का संयोग रहता है, आप साथ में रहते हो, साथ में खाते हो, साथ में बैठते हो, उठते हो, और जिसका जिसका काल पकता है वहां से फुर्र उड़ के दूसरे जगह पे चला जाता है, और किसी वृक्ष के नीचे चला जाता है। आप उसको याद करके रोते रहते हो, वो आया नहीं कब आएगा, उसको कुछ पता ही नहीं कि मैंने वहां से छोड़ा और अब मैं अब दूसरे वहां जाने के बाद वो आपको याद नहीं करता। आप किसी को याद करते पिछले भव वाले को, इस जन्म के पहले भी तो आप कहीं रिलेशन बना के आए थे ना, वो लोग आपके लिए बलि रोते होंगे, आंसू बहाते होंगे, याद करते होंगे, लेकिन आप उनको याद करते हो क्यों? पता ही नहीं। पता तो सबको है, ज्ञान से सबको पता है कि हम किसी न किसी परिवार से आए हैं और वहां हमारे नाम पे कोई न कोई आरती या रुद्र ध्यान कर रहा होगा, है ना। लेकिन हमारे को प्रकृति ने ऐसा झटका मारा कि पिछला कोई याद, अगर आपको सारा पिछला याद होता तो आपकी क्या दशा होती? एक कल्पना करके देखो कि आपको 10-20 भव के सारे रिश्तेदार आपको दिखाई पड़े अभी ध्यान के अंदर, और आप वैरागी नहीं हो, आप सम्यक दृष्टि नहीं हो, सामान्य हो मिथ्या दृष्टि की तरह, तो फिर आप क्या करोगे? हैं, क्या हो जाएंगे? जंग मच जाएगी, वहां जाके हक मांगोगे, मैं तो तेरे पुराने जन्म का ये हूं, तू ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, वहां जाके लड़ने शुरू कर जाओगे। इसीलिए जाति स्मरण ज्ञान हरेक को नहीं कराते, जाति स्मरण ज्ञान हरेक को भगवान नहीं कराते। किसको कराते हैं? पहले उसको सम्यक दृष्टि बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आत्मदृष्टा बनाते हैं, सम्यक दर्शन में परिपक्व कर देते हैं। फिर अगर लगता हो उसे कि इसके वैराग्य को पुष्ट करने के लिए यह दृश्य दिखाना आवश्यक है, जिस दृश्य को देख के यह वैरागी बनेगा, तो उसको जाति स्मरण ज्ञान कराते कि मैं याद कर तू कौन था, मैं याद कर तू कौन था, और संयम छोड़ के भाग रहा है एक ठोकर के लिए। तेने करुणा के वश 3 दिन तक तू एक पांव के ऊपर कायसर करके खड़ा रहा तिरंश के भव में। किसके भव में? अपनी काया का ममत्व तो छोड़ दिया कि ये बेचारा जीव मर जाएगा, इतनी करुणा थी तेरे अंदर में, और यहां तू साधु की ठोकर से घबरा गया। याद कर, जैसे ही चोट मारी तो उसको सारा स्मृति में आ गया, और स्मृति में आते ही रागी बना कि वैरागी बना? पक्का वैरागी बन गया कि अब आंख की ज्योति के सिवाय मैं शरीर के किसी अंगोपांग के प्रति आसक्ति नहीं रखूंगा, इनका भरपूर यूज करूंगा। किसके लिए? किसके लिए? संयम के लिए, कर्म क्षय करने के लिए, आत्मा से परमात्मा बनाने के लिए इस शरीर को पूरा झोंक दूंगा। और मेघ कुमार ने पूरी ताकत लगा करके उसी भव में अपने कर्मों को क्षय कर डाला। ऐसे समय में जाति स्मरण ज्ञान करवाते हैं भगवान, और किसी किसी को दृश्य देखते ही याद आ जाता है, उनकी तैयारी होती है और वैराग्य हो जाता है। अभी कुछ दिन पूर्व आपको आचार्य भगवान ने बताया कि मृगापुत्र गवाक्ष में बैठा हुआ है और मार्ग में एक मुनि को आते हुए देखता है। किसको देख रहा है? एक मुनि को आते हुए देखता है, और मुनि को देख करके चिंतन चलता है कि मैंने इनको कहीं देखा है, मैंने इनको कहीं देखा है। देखते देखते ध्यान की गहराई में चला गया और स्मरण हो गया कि मैं भी पिछले भव में साधु था। अब क्या करना है? तुरंत वो सारे जो राग के संबंध थे वो सब छूट गए। कितना अर्थ था उसके पास? उसकी जो धरती थी उसमें हीरे पन्ने माणक लगे हुए थे, उसके गवाक्ष और उसके बंगले के अंदर ऐसा उच्च कोटि का वैभव था, और मृगापुत्र और उसकी माता का संवाद होता है, और उस संवाद में वो माता को से विजय प्राप्त करके संयम ग्रहण कर लेता है।
तो जाति स्मरण ज्ञान निमित्त बनता है आत्मार्थी के लिए, मिथ्या दृष्टि अविद्या के संस्कार वाले के लिए तो क्लेश का कारण बनेगा, मानसिक क्लेश होगा। इसलिए हरेक को जाति स्मरण ज्ञान नहीं करवाते। तो अविद्या का संस्कार क्षय करके आत्मा से परमात्मा की ओर कैसे बढ़ना, और इसके विपरीत दूसरा पक्ष क्या है, अपनी आत्मा को ही आत्मा समझने वाला अंतरात्मा व्यक्ति, अब वो कैसा बन जाएगा? पहली स्टेज कौन सी है? पहली स्टेज कौन सी है? बहिरात्मा। दूसरी अंतरात्मा। जैसे ही आपको आत्मबोध हो गया, मैं आत्मा हूं ये श्रद्धान पक्की हो गई, तो आप अंतरात्मा बन गए। क्या बन गए? आचार्य श्री जी जब से यहां आए हैं आपको किसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? बहिरात्मा से तुम अंतरात्मा बन जाओ। आज तक तुम बाहर से मूल्यांकन कर रहे हो, तो शरीर के स्तर पर अपने मान पद प्रतिष्ठा और इसी के स्तर पे जी रहे हो। अब सिर्फ एक धारणा बदल दो। क्या बदल दो? कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा। और ये सत्य है या मिथ्या है? सत्य है, पक्का? किसी को शंका तो नहीं कि मैं शरीर ही हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, है ना? अब मैं आत्मा हूं ये पक्का जब संस्कार बन जाएगा, आपका दृढ़ संस्कार बन जाएगा, तो परिणाम क्या आएगा कि सारे शरीर के संबंध से पृथक हो जाओगे। इस शरीर में रहोगे पर शरीर से अलग रहोगे। अब शरीर से ही अलग हो गए तो संबंधों से क्या होंगे? फिर क्या संबंध बिगड़ जाएंगे या अच्छे हो जाएंगे? हां जी एलसी जैन साहब, जब से बहिरात्मा से अंतरात्मा हुए, परिवार में संबंध सुधरे या बिगड़े? सुधर गए या सुधरेंगे? अभी कल इन्होंने अनुभव बताया मेरठ वाली बहनों के सामने कि ध्यान करने के बाद परिवार की छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती थी, कभी किसी को कुछ कहते थे, किसी को टोकते थे, वो रोक टोक भी हमारे से बंद हो गई, जरूरत ही नहीं पड़ती। हम अंदर से इतने मस्त रहते हैं तो सामने वाले के संबंध और अच्छे बन जाते हैं, वो आपको उस पूज्य भाव से देखने लग जाते हैं। जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि जब आप बहिरात्मा होते हो तो स्वार्थ के कारण जुड़े हुए हो, अंतरात्मा होने के बाद स्वार्थ नहीं, बस गिविंगनेस, मेरे पास जो है तुम ले लो, मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। और प्रकृति का कानून है, अगर आपको बदले में कुछ नहीं चाहिए फिर भी प्रकृति आपको भर भर के देती है। जो व्यक्ति लेना चाहता है वो धार्मिक नहीं है, जो व्यक्ति देना चाहता है वो धार्मिक है। गिविंगनेस इज धम्मा। जो मेरे पास है वो सब ले लो, बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है, हमेशा आनंद में रहता है। और प्रकृति का कानून है, आपने एक बीज डाला है तो समय आने के ऊपर एक किलो बन के आएगा। आपने एक बोरी बनकर के बीज जमीन में डाले हैं तो समय आने पर ट्रैक्टर भर के लाओगे। अपेक्षा नहीं है, फिर भी प्रकृति क्या कर रही है? ऐसे अगर आप जीवन भर देते रहोगे तो प्रकृति आपको अनेक गुना बना करके समय के ऊपर जब आपको जरूरत होगी वहां पे कोई न कोई आपको देने वाला खड़ा होगा। आज हम साधु जाते हैं बाहर गोचरी के लिए जाते हैं, जहां जाते हैं आप कोई देने वाला खड़ा है का, वो कोई हमको लोन दे रहा है, हम कोई उसके ऊपर भिक्षा मांग रहे हैं? नहीं, हमने पूर्व में दिया हुआ है और बदले में कुछ भी मांग नहीं की, वो बैलेंस पड़ा हुआ है। जहां भी जाते हैं जो इस शरीर के लिए आवश्यक है उससे कई गुना मिलने को तैयार है, फिर भी हम त्याग करते नहीं, भाई हमें इससे ज्यादा जरूरत। सामने वाला तो सारे पात्रे भर के देने को तैयार है, हम कहते भाई हमें तो सिर्फ इतना सा शरीर को चलाने के लिए चाहिए, इससे ज्यादा मुझे आवश्यकता नहीं है। ऐसे स्थान, ऐसे वस्त्र, ऐसी जो आवश्यक है, तुम अपनी आवश्यकता के लिए पूरी जिंदगी लगा रहे हो फिर भी तुम्हारी पेटी नहीं भर रही है। पेट तो भर जाता है, पेट के लिए कोई कमी नहीं है। प्रकृति के कण कण के लिए पेट की व्यवस्था प्रकृति ने कर रखी है। एक बार की घटना, शिवाजी महाराज के गुरु थे समर्थ दास, स्वामी समर्थ दास। शिवाजी महाराज राजा बन गए थे तो उनकी कहीं थोड़ी सी अकड़ देखी तो शिवाजी को एक बार जंगल में ले गए। गुरु तो गुरु होते हैं, उनको समझाने का, उनको करने का तरीका अपना होता है।
तो वो ले गए और एक ज्ञानी थे, एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, शिवाजी को कहा इस पत्थर को उठाओ। बड़ी मेहनत करके पत्थर को उठाया, उठा के साइड में रखा तो नीचे एक जीव निकला, नीचे एक जीव बैठा था। और समर्थ स्वामी समर्थ दास ने कहा इसके भोजन की व्यवस्था कौन करता है, इसके तू अकड़ के चल रहा है ना, मैं राजा हूं, मैं इस देश को चला रहा हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, बोले इसके भोजन की व्यवस्था कौन कर रहा है। उसी समय शिवाजी का अहंकार चूर चूर हो गया, स्वामी समर्थ के पांव में पड़ गए कि प्रकृति और व्यवस्थित शक्ति के आगे हम सब बोने हैं। हम जो अहंकार करते हैं ना कि मैं परिवार चला रहा हूं, मैं समाज चला रहा हूं, मैं देश चला रहा हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, ये सब हमारा अज्ञान है। हां, इस क्षेत्र का उपादान तैयार होता है तो निमित्त के रूप में किसी को प्रकृति भेज देती है, और निमित्त भी शरण में रहे, उपादान भी शरण में रहे, तो दोनों कर्म काटते हैं। आपका उपादान तैयार है तो निमित्त रूप में आचार्य भगवंत यहां आ गए, चतुर्मास के निमित्त से आ गए, कुछ भविष्यों का कल्याण होना है। आप उपादान भी अहंकार में नहीं आते हो कि हमने कराया, हम ऐसे, और निमित्त भी विनय में रहता है कि भाई प्रभु का माल है, प्रभु लेने के लिए आए हैं, हम तो बीच में डाकिया हैं, हम इनके माध्यम से अपने कर्मों की निजरा कर रहे हैं। तो दोनों कर्म क्षय करेंगे, उपादान की शुद्धि हो रही है, निमित्त की अपनी शुद्धि हो रही है, और धर्म अपने आप फैल रहा है। धर्म को हम फैलाने वाला नहीं, धर्म की अचिंत्य शक्ति है। कितनी शक्ति है, तुम चिंतन भी नहीं कर सकते हो, उतनी अचिंत्य शक्ति है। धर्म अपने आप में फैल रहा है, जब जरूरत होती है, किसी का उपादान तैयार होता है तो व्यवस्थित शक्ति के अधीन निमित्त वहां पहुंच जाता है, और निमित्त और उपादान मिलते ही कार्य हो जाता है। उपादान अकड़ के चले तो वो अपना संसार बढ़ा लेता है, निमित्त अकड़ के चले तो वो अपना संसार बढ़ा लेता है, धर्म को कुछ नहीं होता। लोग कहते धर्म की हानि होगी, धर्म की हानि नहीं होती, धर्म की हानि नहीं होती, धर्म तो और ऊपर उठता है। आप ठोकर चलने के बाद आपकी हानि होती कि नुकसान होता है, आप रास्ते चल रहे हैं, आपको ठोकर लगी, नुकसान हुआ कि लाभ हुआ, नुकसान हुआ, लाभ हुआ, तो ठोकर के समय लाभ हुआ ऐसा सोचते हो, उस पत्थर को गालियां देते हो, कौन से लोग पत्थर बीच में डाल के चले जाते हैं, है ना। ठोकर लगी इसका मतलब उस समय आपको खून निकला है, लेकिन खून आपको एक शिक्षा दे रहा है कि एरिया समिति देख के चलो, तुम वैसे देख के नहीं चल रहे हो, तो उसने एक ठोकर लगाई, क्या की ठोकर लगाई, खून निकला, और अब तुम हमेशा चलते समय ध्यान किधर रखते हो। तो आपको शिक्षा देने का धर्म का अपना तरीका था, शिक्षा देने का। अब वो जड़ पत्थर कुछ नहीं समझता कि मेरे को इसको ठोकर लगानी कि इसको नहीं लगानी। 20 आदमी वहां से निकले, 19 को ठोकर नहीं लगी, 19 को ठोकर और आपको ठोकर लगी, क्यों लगी, क्योंकि धर्म ने आपको शिक्षा देनी थी, धर्म ने आपको शिक्षा देनी थी, इसके लिए उस पत्थर को निमित्त बनाया। क्या बनाया, उपादान आप हो, पत्थर निमित्त है, लेकिन अगर उपादान में लक्षण नहीं है तो वो पत्थर को गाली दे करके जाता है, शिक्षा नहीं लेता, सुधार नहीं करता, पत्थर को गाली देके वहां से निकलता है। और जिसका उपादान शुद्ध है वो परमात्मा का धन्यवाद देता है कि प्रभु आपने इतनी सी छोटी सी ठोकर में मुझे शिक्षा दी, आगे से मैं पूरा सजग रहूंगा, एरिया समिति का ये तो ठोकर ही हो सकता, एक्सीडेंट ही हो जाता, हाथ पैर ही टूट जाते, इतने से ही आपने मुझे क्या कर दिया। पॉजिटिव सोचने वाला क्या करता है, वहां से शिक्षा लेता है, और नेगेटिव सोचने वाला पूरी व्यवस्थित शक्ति को, कुदरत को, वातावरण को, सबको दोष देता है। तो हर पल हर क्षण आप ज्ञान ले सकते हो। तो धर्म की शक्ति अचिंत्य है, कहने का भाव है। हम लोग कहते हैं मैं धर्म की प्रभावना कर रहा हूं, धर्म की प्रभावना हम नहीं कर सकते, धर्म अपने आप में समर्थ है। जो धर्म की शरण में आएगा उसकी प्रभावना धर्म कर देगा, उसकी प्रभावना। संदीप जी को प्रधान बनाया तो क्या संदीप जी अपने धन के बल पे नहीं बने, अगर संदीप जी प्रधान बन गए और वहां शरण भाव में रहकर सेवा करेंगे तो यहां सभा में आपको खड़ा कर देते हैं,
कि आओ जी प्रधान जी, नहीं तो आपके जैसे आपसे 20 गुने यहां बैठे होंगे उनको कोई नहीं पूछता। क्यों पूछ रहे आपको? क्योंकि आप धर्म की शरण में आकर के धर्म की सेवा का संकल्प लिया। अगर उचित रूप से सेवा करोगे तो महान कर्मों की निर्जरा करोगे, और वहां अहंकार और कर्ता भाव में आ जाओगे तो जितनी ऊंची उतनी नीचे खाई, है ना, जितनी ऊंचाई पे चल रहे हो उतनी नीचे खाई, ऐसे गिरोगे कि वापस उठने का नाम। आप क्या समझते हो साधु पना सरल है? आपको नीचे बैठे हैं, आपको पैदल चलने में इतनी कठिनाई नहीं है, लेकिन पट्टे के ऊपर बैठ के पूरी सजगता चाहिए। कितने लोगों की नजर है मेरे ऊपर? आपके घर में तो 3 लोग 5 लोग देखने वाले, आपको खाया पिया सोया उठे बैठे क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, यहां पर कितने लोगों की नजर है? और कितने लोग राइट रखते हैं हमारे को सजग करने का? कितने लोग राइट रखते हैं? जबकि आपके घर में किसी को राइट नहीं है पड़ोसी को भी बोलने का। तो जितने ऊंचे और इनसे ऊपर उठेंगे तो लाखों लोग, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो जितनी ऊंचाई पे अगर सम्यक आराधना करोगे तो महानिर्जरा का लाभ मिलेगा, इन आप सबके लिए भी आदर्श बनेंगे। और सम्यक आराधना नहीं करेंगे तो महाबंधन का कारण बनेगा। तो जितना साधक ऊपर उठेगा, कहते ना पैदल चलना ऊपर और ऊपर जाके एक 10 मंजिल की बिल्डिंग इधर से उधर क्रॉस करना है एक रस्सी के ऊपर, कितना कठिन है। उतनी गए तो चकना चूर, पहुंच गए तो अपनी वाह वाह। तो धर्म की शरण में रहना सबसे बड़ी बात। जितना धर्म की शरण, धर्म क्या है? आत्मा का स्वभाव धर्म है। मैं आत्मा हूं यही ज्ञान नहीं तो फिर क्या धर्म करोगे? ये सारी क्रियाएं जितनी है वो धर्म के अनुष्ठान जितने हैं सब आत्मा के लिए। किसके लिए? अगर इसमें से आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का भान नहीं है, तो जैसे दूसरी क्रियाएं सुबह से शाम तक कर रहे हो ये भी एक क्रिया है। तुम सुबह उठ के रात तक कितनी क्रिया करते हो? दुकान पे जाते हो, व्यापार में जाते हो, लोगों से मिलते हो, खाते हो पीते हो नहाते हो धोते हो, अनेक क्रियाएं कर रहे हो, सामाजिक क्रियाएं कर रहे हो, वैसे ये भी एक क्रिया है। लेकिन आत्मा को केंद्रीभूत होकर के क्रिया, आत्मा का स्वभाव आपको पता है, आत्मज्ञान में आप रहते हो, तो हर समय आपके कर्म की निर्जरा, सारी क्रियाएं नहाने धोने उठने वाली भी निर्जरा में बदल जाएगी अगर आत्मा को केंद्रीभूत होकर के करोगे। अन्यथा सारी क्रियाएं कर्म आश्रम का कारण बन जाएगी। अब कर्म आश्रम शुभ भी हो सकता है अशुभ भी हो सकता है, शुभम पुण्यम अशुभम। शुभ क्या है? शुभ है क्या और अशुभ है क्या? शुभ है आपकी पॉजिटिव बैंक बैलेंस, अशुभ क्या है? आपकी नेगेटिव बैंक बैलेंस। और दोनों आप साथ लेके आए हो। कभी आपको बिना कारण से खूब मान मिलता है, खूब सम्मान मिलता है, सब लोग आपकी सेवा करते हैं, जहां जाते हो वहां जय जयकार होता है, जो चाहिए सब मिल जाता है, वो आपकी पॉजिटिव बैंक बैलेंस है वो। और ऐसे टाइम में तुम कितना ही उल्टा सीधा करो फिर भी तुम्हारी जय जयकार होगी। कई लोग आगे प्रश्न करते हैं कि वो सब ऐसे उल्टे सीधे कर्म करता है उसकी तो जय जयकार हो रही है, हम लोग इतनी न्याय नीति प्रामाणिकता से जीवन जी रहे हैं और यहां पे सब जगह धुतकार मिल रही है। तो क्या है? जिसको धुतकार मिल रही है उसकी नेगेटिव बैलेंस खुली हुई है और वो समभाव में अपने कर्मों की निजरा कर रहा है। क्या कर रहा है? नेगेटिव बैलेंस आ रही है, प्रतिक्रिया हो रही है, सब तरफ झटकार पड़ रही है, लेकिन वो शांत अपनी आत्मा की साधना में लीन रहता है, कोई रिएक्शन नहीं करता है, तो वो अपने भारी कर्मों को क्षय कर रहा है। और समय आने के ऊपर उसकी फिर नेगेटिव बैलेंस खत्म हो गई तो उसकी वापस जय जयकार शुरू हो जाती है। आप देखते हो जीवन में हर जगह पर दोनों तरह के पहलू हमेशा। तो घबराना नहीं है, नेगेटिव आने पे आत्मार्थी को जोश आता है, नेगेटिव फाइल खुलने के ऊपर आत्मार्थी को जोश आता है और मतार्थी दुखी हो जाता है, मैं इतना धर्म करता, इतनी सामायिक करता, इतनी सेवा करता, मेरे पीछे सारा ये पड़ा हुआ है। आत्मार्थी कहता है प्रभु आपकी बहुत कृपा हो गई, जो भारी कर्म क्षय नहीं हो रहे थे वो इस परिस्थिति में क्षय हो जाएंगे, निर्जरा करने का एक सुंदर अवसर आपने दे दिया। भगवान महावीर को लाड़ देश जाना पड़ा, मेरे तो घर में ये परिस्थिति खड़ी हो गई, आपकी बहुत कृपा है और इस समय मेरी परीक्षा है और मैं समभाव में रहकर के दिखाऊंगा, वितराग भाव में रहूंगा। वो अंतरात्मा है, बहिरात्मा से अंतरात्मा बनना यही हमारी वितरागता की साधना है।